हम चाहे घर पे फ्लोर कितना ही अच्छा क्लीन करें, कितना ही अच्छा साफ़ करें, लेकिन चींटियाँ, बैक्टीरियाज, कॉकरोचेस आने का डर लगा ही रहता है। देखने में ये फ्लोर बहुत क्लीन लगता है, लेकिन इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, चींटियाँ और कॉकरोचेस भी आते हैं। तो कितना अच्छा हो हम घर पर ही एक अच्छा सा लिक्विड बनाएं, फ्लोर क्लीन लिक्विड जो बजट फ्रेंडली हो, बिना कोई कॉस्ट के हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पतीला। पतीला हमें बड़ा लेना है, ये इस बात का ख्याल रखिए। 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड करिएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे नींबू के छिलके। नींबू के छिलके मैंने साइड में रखे थे, जो किचन में हम यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए नींबू का रस, वही साइड में रख दें, कुछ स्पेशल मैंने अलग से नहीं निकाले। 4 से 5 नींबू के छिलके ले लें। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, मोटा नमक मैंने ऐड किया है। आप चाहो तो सॉल्ट पाउडर भी ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 4 से 5 तेज पत्ता जिसे बे लीव्स कहते हैं ये ऐड कर देंगे। अब हम इसे बॉयल करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, क्योंकि ये जो सभी हमने डाला है इसमें वाटर में अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। स्टोव का फ्लेम लो कर दे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से फ्लोर अच्छा क्लीन होता है, और बेकिंग सोडा में ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं क्लीन करने के लिए। और ये जो नमक और हल्दी, तेजपत्ता, बेलीफ हमने जो डाला है, इससे बैक्टीरियास, एंट्स, चींटियाँ, कॉकरोचेस ये सभी इसकी स्मेल से नहीं आते, ये घर में नहीं आते, और आए भी तो भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर ऐड करिएगा। आप देख सकते हो पतीले में ऊपर आ रहा है वाटर, जैसे हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है। 5 मिनट बॉयल करने के बाद स्टोव का फ्लेम बंद कर दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे स्ट्रेन कर देंगे स्ट्रेनर की मदद से। ये लिक्विड ऐसा ज़बरदस्त होता है फ्रेंड्स, फ्लोर भी क्लीन होगा आपका, और चींटियाँ, कॉकरोचेस, कीड़े भी नहीं आएंगे घर में। चलिए थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे विनेगर, ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच। विनेगर डालने के बाद भी आप देख सकते हो वाटर ऊपर आ रहा है, तो इस बात का ख्याल रखिए जब ये लिक्विड आप बना रहे हो तो पतीला बड़ा लें। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे लाइज़ोल का 1 बड़ा ढक्कन। लाइज़ोल तो हर घर में अवेलेबल होता है, या फिर आप डेटॉल भी डाल सकते हो, आपके पास जो भी फ्लोर क्लीनर अवेलेबल है वो ऐड कर दें। ठंडा होने के बाद इसे एक बॉटल में स्टोर करके रख लें। अब ये लिक्विड ऐसा ज़बरदस्त तैयार हो गया है, आप इसे 1 मंथ के लिए भी ऊपर रूम टेम्परेचर पर रखकर स्टोर कर यूज़ कर सकते हो। अब ऐसे यूज़ कैसे करना है, जब भी आप यूज़ करें इसे अच्छे से शेक कर लें इस तरह से। मैंने यहाँ पर बाल्टी में पानी ले लिया है फ्लोर क्लीन करने के लिए। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा लिक्विड जो हमने बनाया है। लिक्विड ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें, और इस तरह से हम इस पोंछा लगाएंगे, घर में फ्लोर क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड तैयार हो गया है, ये फ्लोर भी क्लीन करता है, और घर में कोई भी बैक्टीरिया, कॉकरोचेस, एंट्स या फिर कोई और कीड़े आने नहीं देता। अगर आएंगे भी तो वो मर जाएंगे, फिर घर में नहीं आएंगे। ये एक बार ट्राई करके देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आपको ये फ्लोर क्लीनिंग का आइडिया अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ, और ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।